नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है फायरबोल्ट क्वांटम स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है 2999 में। हालांकि इसकी प्राइस कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 3499 या उसके अंडर मिलती है तो काफी बढ़िया डील है। लेकिन अगर आपको उसके ऊपर पे करना पड़े तो ये आपके लिए एक एक्सपेंसिव डील होगी। ये है कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.28 इंच का HD डिस्प्ले। और अगर आप गौर करोगे तो इसमें आपको मिलते हैं स्टेनलेस स्टील के बैंड। इसके अलावा इसमें है SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड है, मल्टीपल वॉच फेसेस, स्मार्ट नोटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट्स को सेव करने का ऑप्शन दिया गया है, अलार्म टाइमर स्टॉपवॉच। इसके अलावा इसमें है 128 MB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब कि आप अपने स्मार्ट वॉच में करीबन 15 से 20 सॉन्ग्स को सेव करके रख पाओगे अपनी वॉच में। और इस वॉच से आप अपने TWS को भी कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन TWS काम करेगा केवल म्यूजिक फंक्शन के लिए, कॉलिंग के लिए TWS काम नहीं करेंगे। इसके अलावा ये है IP67 वाटर रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप, हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजें, ये है यूजर मैनुअल, बुक माय शो का वाउचर, बोल्ट प्ले ऐप मेंबरशिप वाउचर, गाना प्लस सब्सक्रिप्शन 3 महीने के लिए, ये है वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, ये है लिंक रिमूवर, मतलब कि बैंड में जो लिंक्स है आप उन्हें रिमूव करके उन्हें फिक्स कर सकते हो इसके जरिए। और ये है स्मार्ट वॉच, इस बैंड को लूज करने के लिए आपको बीच में यहां पे प्रेस करना है ऐसे, और फिर ये इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं, फिर आप इसे पहन सकते हो। पहनने के बाद फिर से आपको ऐसे प्रेस करना है फिक्स करने के लिए इस तरीके से। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 350 mAh की बैटरी, इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 3 आवर्स, आपको मिलेगा 7 डेज का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो, जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। फिजिकल ओरियो की बात करेंगे तो यह है एक स्मार्ट वॉच, लेकिन यह है एक टिपिकल एनालॉग वॉच के लुक में। इसके जो बैंड से स्टेनलेस स्टील के है, जो इसका केस है एल्यूमिनियम का है, साइड में है एक मेटालिक राउंड बटन, और यह है रोटेटिंग रिम जिसे आप इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। बटन के नीचे है माइक और इस साइड में है स्पीकर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है 4 पिन चार्जिंग स्लॉट, SPO2 एंड हार्ट रेट सेंसर। इन बैंड्स में जो लिंक्स होते हैं आप उन्हें भी रिमूव कर सकते हो। तो मान लेते अगर आपको ये स्मार्ट वॉच काफी लूज हो रही है तो आप इनमें जो लिंक्स है उसे रिमूव करके इसकी साइज को चेंज कर सकते हो। तो मान लेते मुझे जो स्मार्ट वॉच है इसके जो बैंड्स है काफी लूज है, मुझे अगर इन्हें टाइट करना है तो इसके लिए मैं इन लिंक्स को रिमूव करूंगा। तो मान लेते मुझे ये 3 लिंक्स को रिमूव करना है, 1, 2, 3। पहला जो लिंक होता है वो तो फिक्स होता है, उसे आपको चेंज नहीं करना है, स्टार्ट करना है 2nd से। 1, 2, 3 आप यहां से रिमूव कर सकते हो। तो हम यहां से रिमूव करेंगे 1, 2, 3। तो रिमूव करने के लिए आपको इस डिवाइस को, इसमें जो ये नीडल है उसे आपको लाना है पीछे की ओर रोटेट करके, इसके बाद आपको इसे प्लेस करना है यहां पे, और फिर ये जो पहली लिंक है जो हमें रिमूव नहीं करनी है उसमें जो 2nd होल होता है, 2nd होल उसकी तरफ आपको इस नीडल को लेके जाना है आगे की ओर, इसमें अंदर लेके जाना है रोटेट करके। जैसे आप अंदर लेके जाओगे तो यहां से एक निडल बाहर की ओर आएगी, तो आप देखोगे यहां पे निडल बाहर की ओर आ चुकी है। तो आपको इसे वापस निकालना है इस निडल को, और आप देखोगे ये आ गई निडल। इस लिंक को आपको रिमूव करना है, ठीक है, अब ये हो चुका है रिमूव इस तरीके से, और ये है 1, 2, 3। तो हम जो तीसरी लिंक है उससे रिमूव करेंगे, तीसरी लिंक पे आपको सेम वैसे करना है, दूसरे होल पे आपको इस निडल को लेके जाना है और रोटेट करते हुए जो लिंक है उससे निकालना है बाहर की ओर जो निकल चुकी है, फिर से आपको वापस इसे रिमूव करना है, और फिर यहां से निकलेगी और एक लिंक, यह है निडल, रिमूव करिए। तो हमने इस तरीके से आप देख पा रहे हो 1, 2, 3 तीन लिंक्स को निकाल दिया है। तो अब आपको क्या करना है, जो पहले लिंक है यहां पे जो फिक्स होती है आपको इस तरीके से इसे फिक्स करना है, फिक्स करिए,
फिक्स करने के बाद कोई भी एक निडल यूज करिए, तो आपको इस निडल को दूसरे होल में इंसर्ट करना जैसा आपने निकाला था इस तरीके से इंसर्ट कीजिए। फिक्स ना होने पर आपको सेम तरीके से इसे प्लेस करना है और जो निडल है या लिंक है ठीक से अंदर की ओर जाए तो आपको निडल की मदद से इसे अंदर की ओर इंसर्ट करना है। इसे करिए रोटेट, तो आप देखोगे जो लिंक है ठीक से फिक्स हो चुका है। इस तरीके से आप लिंक को रिमूव करके इसकी जो साइज है चेंज कर सकते हो अपने रिस्ट के साइज के हिसाब से, और आपको फिर इन्हें रखना है संभाल के, जब भी यूज हो आप इन्हें फिर से यूज कर सकते हो अगर आपकी रिस्ट साइज चेंज हो या अगर ये स्मार्ट वॉच कोई और बंदा पहनता है तो। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जब लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर पर जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है एज बैंड। तो एज बैंड इसे आपको डाउनलोड कीजिए, फिर आपको इसे करना है ओपन। आपका अगर पहले से अकाउंट है एज बैंड ऐप में तो आप अपना ईमेल पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको करना है साइन अप। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, कोई भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, बॉक्स में टिक कीजिए और कीजिए साइन अप। फिर कीजिए अलाउ टू ओपन, अलाउ कीजिए, स्किप कीजिए। फिर आपको अपने स्किन का कलर यहां पे चूज करना है, तो आपके हिसाब से आपको सेट करना है, नेक्स्ट पे टैप करना है। अपनी बर्थडे आपको सेट करनी है, ईयर मंथ और डेट। यूनिट आपको सेम ही रखना है, नेक्स्ट पे टैप कीजिए। आपका वेट केजी में सेट कीजिए, हाइट सेंटीमीटर में। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट पे टैप। आपको अपने डेली गोल्स जो है सेट करने हैं, एक दिन में आप कितने स्टेप चलना चाहते हो, एक दिन में आप कितने घंटे सोना चाहते हो, तो आपको यहां पे अपने हिसाब से जो डेली गोल है उसे सेट करना है। फिर आपको करना है टिक पे टैप। दिन में आप कितने घंटे सोना चाहते हो, तो आपको यहां पे अपने हिसाब से जो डेली गोल है उसे सेट करना है। फिर आपको करना है टिक पे टैप। स्कैनिंग इक्विपमेंट पे टैप कीजिए, अलाउ कीजिए। आपको यहां पे वेट करना है, शो करेगा फायर बोल्ट क्वांटम FB088। आपको इस पर टैप करना है। अब ये है नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो आपको इन एप्स में से कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को यहां पे टिक करना है। जैसे कि SMS को ऑन कीजिए, फोन कॉल को भी ऑन कीजिए। इसके अलावा जिन ऐप्स को आप यूज करते हो जैसे कि WhatsApp, Instagram, Gmail, Twitter और कई सारे ऐप्स को अगर आपको देखना हुआ तो आपको अदर ऐप्स पे टैप करना है। आपके फोन में जितने भी ऐप्स होंगे यहां पे शो करेंगे। अब इन ऐप्स में से आपको कौन कौन से ऐप्स से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को भी यहां से ऑन करना है इस तरीके से। फिर आपको जाना है पैक और फिर करिए कंफर्म पे टैप। कंफर्म, एज बैंड को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए, फिर से कंफर्म कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को, ताकि आप अपने जो कॉल्स और SMS को रिसीव कर सको अपनी वॉच में। फिर आपको करना है एस पे टैप, ताकि आपका जो डेटा है सेव रहे ऐप में। जो स्मार्ट वॉच है सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है, लेकिन आपको जाना है माइंड के टैप पे। कॉलिंग का जो फीचर है अभी तक ऑन नहीं हुआ है, तो अगर आपको कॉलिंग के फीचर को ऑन करना हुआ तो आपको जाना है अपने फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में, बीपे लॉन्ग टैप कीजिए और फिर आपको अपनी स्मार्ट वॉच में कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है और जो थर्ड टॉगल है आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद आपको स्कैन करना है, नीचे आपको यहां पे अवेलेबल डिवाइसेस में शो करेगा FB088, आपको इस पे टैप करना है। पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद कॉलिंग का फीचर आपकी वॉच में ऑन हो चुका है, मतलब कि अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। निकनेम और ईमेल आईडी पे टैप करोगे तो आप यहां से अपनी प्रोफाइल फोटो को चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आपका निकनेम, जेंडर, बर्थडे, वेट, हाइट, BMI और जो स्किन कलर है आप यहां से चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। फिर सेव पे टैप कीजिए सेव करने के लिए। इसके बाद आपको टैप करना है FB088 और यहां पे आपको शो करेंगी डिवाइस की सेटिंग। सबसे पहले है नोटिफिकेशन, तो टैप कीजिए। ये हमने जो सेटिंग से पहले ही ऑन कर ली है, हालांकि आप यहां से उन्हें चेंज कर सकते हो ऑन ऑफ करके। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो कॉल आ चुका है फोन में भी और वॉच में भी। हालांकि आप गौर करोगे तो
तो वॉच में केवल हो रहा है वाइब्रेशन, रिंगटोन प्ले नहीं होगी वॉच में, आपकी वॉच करेगी केवल वाइब्रेट। अगर कोई भी कॉल आता है तो कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा और आपको मिलेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन, इस कॉल को कट करने का और इसे एक्सेप्ट करने का। और अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मिलेंगे अब तीन ऑप्शन, यहां से आप कॉल के वॉल्यूम को कर पाओगे एडजस्ट माइनस प्लस के साइन पे टैप करके। फिर इसके बाद है माइक को म्यूट करने का ऑप्शन, तो अगर आप इसे म्यूट करोगे तो सामने वाले को आपकी आवाज नहीं जाएगी और यह है कॉल को कट करने का ऑप्शन। ये जो कॉल चल रहा है ये चल रहा है वॉच में, आप चाहते हो कॉल स्विच हो जाए फोन में तो आपको बी पे यहां पे टैप करना है आपके फोन में। अब जो कॉल है जा चुका है फोन में, यहां पे रिसीव हो रहा है, लेकिन आपको वापस जाना है वॉच में, बी पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर पाओगे वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। अगर आप कॉल के फीचर को ऑफ करते हो तो ऐसे में अगर आपको कोई कॉल आता है तो कैसे शो करेगा ये भी हम देखेंगे। तो कॉल के फीचर को ऑफ करने के लिए आपको जो टॉगल है कॉल का टॉगल उसे ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट कीजिए। इसके बाद अगर आपको कोई कॉल आता है तो अब आप अपनी वॉच में उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, हालांकि आपको शो करेगा कि किसका कॉल आ रहा है। तो इस तरीके से आपको कॉल शो करेगा, आप देख पाओगे कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर शो करेगा, आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट, आपको मिलेंगे दो ऑप्शन इस कॉल को कट करने का। आपके फोन में जो रिंगटोन बज रही है और वाइब्रेशन हो रहा है उसे आप यहां से म्यूट कर सकते हो, टैप कीजिए। रिंगटोन और वाइब्रेशन आपके फोन में ऑफ हो चुका है और वॉच में भी जो वाइब्रेशन था ऑफ हो चुका है, और यह है कॉल को कट करने का ऑप्शन। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है फोन में, वॉच में भी आ चुका है। अच्छी बात है कि जब SMS आता है तो वॉच में डिस्प्ले जो होता है ऑन हो जाता है और वॉच करती है वाइब्रेट। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए डिस्प्ले को ऑन। टाइम डेट शो करेगा, कॉन्टैक्ट का नाम या नंबर, और इस तरीके से आप मैसेज को रीड कर पाओगे स्वाइप अप करके। अगर आपने यहां पे भी देखना मिस कर दिया तो फिर आपको करना है होम पेज पे मेन मेनू को एक्सेस, और फिर आपको मिलेगा यहां पे नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है और ये रहे आपके मैसेज, तो आपको जिसे रीड करना है उस पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप उसे रीड कर पाओगे। अगर आप चाहो तो यही से उसे डिलीट भी कर सकते हो डिलीट पे टैप करके। इस वॉच में हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, अच्छी बात है कि व्हाट्सएप में भी डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती वाइब्रेट, आप इस तरीके से इसे रीड कर पाओगे स्वाइप अप करके। तो आप अपने यहां पे पिछले तीन मैसेज को रीड कर पाओगे। अगर मैसेज छोटा है तो अलग अलग तीन मैसेज शो करेंगे, अगर मैसेज बड़ा है तो आपको एक ही मैसेज तीन अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से शो किए जाएंगे, आप देख सकते हो। अगर आपको सभी को एक साथ क्लियर करना तो आप सभी को एक साथ क्लियर नहीं कर सकते, एक एक को आपको करना पड़ेगा इस तरीके से डिलीट। आगे है अलार्म, तो आप अपने जो अलार्म से इस ऐप के जरिए सेट कर पाओगे, आपको इस पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप करना है। टाइम सेट कीजिए, आवर मिनट AM PM सेट कीजिए। इसके अलावा इस अलार्म को आप किसी भी डे के लिए सेट कर पाओगे, तो आपको डे पे टैप करना है, डेट को सेट कीजिए, या फिर आप डे को कर सकते हो सेट, जो डे आपने सेट किया है उस दिन को ये अलार्म प्ले होगा। और आपको यहाँ पे लेबल देना है कोई भी आइकन अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से, जैसे कि अगर मीटिंग की बात है तो यहाँ पे है मीटिंग के लिए, इसके अलावा रनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए, मॉर्निंग अलार्म, फिर टिक पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप एक साथ मैक्सिमम 20 अलार्म को ऐड कर पाओगे इस ऐप में। और किसी भी अलार्म को अगर आपको ऑन ऑफ करना हुआ तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, टैप करके आप उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा आप यहां से उसे डिलीट भी कर सकते हो। जो भी अलार्म आप ऐड करोगे आप देख पाओगे उन्हें अपनी वॉच में भी, और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। आगे है सेडेंटरी सेटिंग्स, तो अगर आपने इसे ऑन किया तो अगर आप एक घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हो आइडली एक घंटे के दौरान, ना आप चले ना आप उठे, तो आपको आपकी वॉच में हर घंटे आएगा अलर्ट कि अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए। तो आप टैप करके जो स्टार्ट टाइम है एंड टाइम है सेट कर सकते हो, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान आपको आएगा हर घंटे एक अलर्ट आपकी वॉच में, अगर आप हर घंटे कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे तो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। आगे है हार्ट रेट अलर्ट, तो आपको इसे ऑन करना है, टैप करके आपको जो अपर लिमिट है उसे सेट करनी है। मान लेते मैंने सेट किया है 130, मतलब कि अगर मेरा हार्ट रेट कभी भी 130 या उसके ऊपर जाता है तो मेरी वॉच में आएगा एक अलर्ट कि जो आपका हार्ट रेट है अपर लिमिट के ऊपर जा चुका है। तो अगर आपको ऐसा अलर्ट चाहिए आपकी वॉच में तो आपको करना है सेव पे टैप। आगे है टर्न रिस्ट डिटेक्शन, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर, तो आपको अगर यूज करना है तो ऑन कीजिए और टैप करके आपको यहां पे टाइम सेट करना है, जो टाइम आप सेट करोगे उस टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको इसे हमेशा के लिए वर्क करना है तो आपको टाइम सेट करना है 12 AM टू
11:59 PM। फिर ये है सेंसिटिविटी, तो आपको सेट करनी अपने हिसाब से, जितना ज्यादा आप सेट करोगे उतने अच्छे से और क्विकली ये फीचर काम करेगा। तो मैंने सेट किया है 6 पे, आपको करना है सेव पे टैप। अब ये फीचर वर्क कैसे करेगा, तो जब भी आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है, बस आपको अपनी वॉच को ऊपर करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनते हो अपनी कलाई पे, तो अगर आप ऊपर करोगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, नीचे करोगे तो ऑफ हो जाएगा, ऊपर ऑन नीचे ऑफ। ये है पेयर डिवाइस, मतलब कि यहां से आप अपनी वॉच को अनपेयर कर सकते हो, मतलब कि डिसकनेक्ट कर सकते हो अगर आपको करना हुआ तो। फिर है फाइंड डिवाइस, इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी स्मार्ट वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लेते हैं आपने अपनी वॉच को यहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे और यहां पे करोगे स्टार्ट टू फाइंड, तो आपकी वॉच में होंगी दो चीजें, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी कंटिन्यूअसली वाइब्रेट। स्टॉप करने के लिए फाउंड पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। ये है कॉन्टैक्ट्स को सेव करने का ऑप्शन, तो आपको इस पर टैप करना है। आप अपनी वॉच में एक साथ 10 कॉन्टैक्ट्स को सेव कर पाओगे। आपको ऐड पे टैप करना है, जिस कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है उस पर आपको टैप करना है। इस तरीके से आप इस तरीके से 1 by 1 सभी कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो। तो फिर से आपको ऐड पे टैप करना है, फिर से जिसे ऐड करना है उस पर टैप कीजिए। तो मैंने 10 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद अगर आपको इनमें से किसी को रिमूव करना हो, तो आपको माइनस के साइन पे टैप करना है उसे रिमूव करने के लिए। अगर आपको ऐड करना है फिर से, तो ऐड पे टैप कीजिए। अगर आपको इन्हें ऊपर नीचे करना हुआ, तो आपको 3 बार पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इन्हें ऊपर नीचे करने के लिए। सेव करने के लिए आपको बैक पे टैप करना है। सारे कॉन्टैक्ट्स आपकी वॉच में शो करेंगे कॉन्टैक्ट्स में। ये है बीपी प्राइवेट मोड, मतलब कि ब्लड प्रेशर सेटिंग्स। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आपने इसे ऑन किया, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी सर्टिफाइड बीपी मेजरिंग इक्विपमेंट से अपने बीपी को मेजर करना है, और आपका रीडिंग कितना आता है बार बार आप मेजर करिए, और जो भी आपका एवरेज रीडिंग आता है आपको उसे यहां पे सेट करना है। तो मैंने मान लेते हैं ये सेट किया है, ठीक है। तो आपको फिर करना है सेव पे टैप। ये होता है कैलिब्रेशन, तो आपको ऐड करना है अपने कैलिब्रेशन को, उसके बाद ही बीपी को मेजर करना है आपकी वॉच में, तभी रीडिंग जो होगी एक्यूरेट शो करेगी। आगे है स्क्रीन ऑन टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। मान लेते हैं मैंने डिस्प्ले को अगर ऑन किया, तो ये कितने सेकंड के लिए ऑन रहेगा, तो ये अब 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, क्योंकि मैंने यहां पे सेट किया है 5 सेकंड्स। तो आप इसे चेंज कर सकते हो, तो आप इस पे टैप करके जो टाइम है उसे चेंज कर सकते हो। मैक्सिमम यहां पे है 30 सेकंड, 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, आपको जितना सेट करना है उतना सेट करिए। लेकिन यहां पे रिकमेंड किया गया है कि 5 से 10 सेकंड आप यूज कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैं यहां पे सेट करूंगा 10 सेकंड्स के लिए। कंफर्म पे टैप कीजिए, मतलब कि अगर मैं अब डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आगे है स्विच सेटिंग्स, और इसमें है 4 ऑप्शन। पहला है वेयर डिटेक्शन, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आप अपनी वॉच को पहनोगे, तो आपकी वॉच में मिलेगा वाइब्रेशन अलर्ट, हालांकि ये फीचर अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ये है HR ऑटोमेटिक और BP ऑटोमेटिक, तो अगर आपको अपनी वॉच में हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिक पे सेट करना है, अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में HR और BP ऑटोमेटिक मेजर होते रहे, तो आपको इन दोनों को ऑन करना है। आप अपने हिसाब से किसी भी एक को भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों को ऑफ ही रखूंगा, क्योंकि मैंने अगर दोनों को ऑन रखा तो मेरी वॉच में बैटरी बैकअप काफी कम मिलेगा। लेकिन अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए, तो आपको दोनों को ऑफ रखना है। फिर आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली HR, ब्लड प्रेशर या SpO2 को मेजर कर सकते हो बड़ी आसानी से। ये है डिस्कनेक्ट अलर्ट, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो जब भी आपकी वॉच आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट होगी, आपकी वॉच में मिलेगा आपको एक अलर्ट वाइब्रेशन के साथ कि आपकी जो वॉच है डिस्कनेक्ट हो चुकी है आपके फोन के साथ। फिर आगे है टेक फोटो, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर, तो आपको इस पर टैप करना है। परमिशन को अलाउ कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और यहां पे ओपन होगा शटर बटन, आपको शेक करना है अपनी वॉच को, आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी। आप टैप करके भी फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से, जो भी फोटो कैप्चर होगी यहां पे शो करेंगी। आप यहां से फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहां से कैमरा को रोटेट कर सकते हो। फिर है रिसेट डिवाइस पासवर्ड, तो अभी फिलहाल इस वॉच में पासवर्ड को सेट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर होता है फ्यूचर में कभी भी अपडेट के जरिए अगर ये फीचर ऐड किया जाता है पासवर्ड का, तो आपको यहां से अपने पासवर्ड को सेट करना है। तो यहां पे लिखना है ओल्ड में 0000 4 times, और फिर आप अपना नया पासवर्ड यहां पे सेट कर सकते हो, जैसे कि 1122 1122, रिसेट पासवर्ड पे टैप कीजिए। ये है डायल सेटिंग्स, मतलब कि आप जो अपने वॉच फेस है यहां से चेंज कर पाओगे, टैप कीजिए। आप 1 tap में वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस तरीके से, आप देखोगे वॉच फेस चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे आपको मिलते हैं इनबिल्ट 5 watch faces, अगर आपको डाउनलोड करना हुआ तो यहां पे मोर वॉच फेस पे टैप करना है। तो यहां पे आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा वॉच फेसेस, आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पे
क्या आप करना है, मैं एक ऐसा वॉचपेस डाउनलोड करना चाहूंगा जिसमें बैटरी लेवल भी शो करे। तो ये है एक वॉचपेस जिसमें बैटरी लेवल इस तरीके से शो करेगा गेज में, आपको इस पर टैप करना है, डाउनलोड होगा, फिर करना है सेट एज वॉचपेस। तो इस तरीके से आप किसी भी वॉचपेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। जो वॉचपेस है अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो, यहां पे आपको टैप करना है और ये है वॉचपेस। तो इस वॉचपेस में इस तरीके से बैटरी लेवल शो किया जाएगा। गेज पे आपको देखना है कि गेज कहां पे है, 7500 के बीच में, मतलब कि यहां पे करीबन 90% बैटरी लेफ्ट है अभी भी। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी है तो आपको जाना है बैक और यहां पे लिखा होगा फोटो वॉचपेस, तो फोटो वॉचपेस पे टैप कीजिए। सिलेक्ट इमेज पे आपको टैप करना है, एल्बम पे टैप कीजिए, जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है उस फोटो पे आपको टैप करना है। तो मैं चाहता हूं इस फोटो को सेट करना है, तो टैप कीजिए। इससे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट भी कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। जो टाइम का कलर है आप उसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा टाइम आपको कहां पे शो करना है, तो यहां पे ऑप्शन है टाइम लोकेशन, मतलब कि आप इंटरमीडिएट, बीच में, अबव, ऊपर और नीचे, बिलो कर सकते हो। तो मैं करूंगा बिलो, फिर आपको करना है बिलो पे टैप। फिर है अबव टाइम और बिलो टाइम, मतलब कि टाइम के ऊपर और नीचे आपको क्या शो करना है। तो मैं चाहता हूं टाइम के ऊपर शो करे स्टेप्स, तो आपको स्टेप्स पे सिलेक्ट करके करना है इस पे टैप। फिर बिलो टाइम, मतलब कि टाइम के नीचे मैं चाहता हूं डे स्टाइल 1, इस तरीके से आपको सेट करना है। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉचपेस पे। जो फोटो जो है सेट हो चुकी है, आप देख सकते हो। आप अपनी वॉच में एक साथ 6 वॉचपेस को सेट कर सकते हो। तो जो पहले 4 वॉचपेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी के 2 वॉचपेस होते हैं आप उन्हीं को चेंज कर पाओगे। तो वॉचपेस को चेंज करने के लिए आप वॉच से भी चेंज कर सकते हो। आपको वॉचपेस पे लॉन्ग टैप करना है और ऐसे स्वाइप करना है वॉचपेस को चेंज करने के लिए। इस तरीके से आपको अगर करना है इसे सेट, तो इस पर टैप कीजिए सेट करने के लिए। फिर है फर्मवेयर अपग्रेड, तो अगर आपको अपडेट को चेक करना है वो वॉच के लिए, तो टैप कीजिए और यहां से होगा अपडेट चेक। अगर अवेलेबल है तो यहां से आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। अगर अपडेट नहीं है अवेलेबल, तो यहां पे शो करेगा लेटेस्ट वर्जन। फिर आपको मिलेंगे रिसेट करने के लिए 2 ऑप्शन। एक होता है फैक्ट्री रिसेट, इसका मतलब है कि अगर आप इसे करोगे तो आपकी वॉच में जो भी आपका डेटा है सेटिंग से वो सभी हो जाएंगे इरेज। तो अगर आपको अपने सभी डेटा को डिलीट करना हुआ तो आपको करना है फैक्ट्री रिसेट। और अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो आपकी वॉच में, अगर कोई भी फीचर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको करना है रिसेट। इससे जो भी इश्यू होगी फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर फिर भी इश्यू फिक्स नहीं होती तो फिर आपको कॉल करना है फायरबोल्ट के कस्टमर केयर के टीम को। और अगर आप चाहते हो आपकी वॉच को आपके फोन के साथ डिसकनेक्ट करना, तो यहां पे ऑप्शन डिसकनेक्ट करने का। बैक जाओगे तो आप यहां से अपने स्टेप गोल को और जो स्लिप गोल है चेंज कर सकते हो जब चाहे तब। अगर आप जाओगे डैशबोर्ड में, तो यहां पे आपको शो करेगा आज का डेटा, मतलब कि आज आप कितने स्टेप चले हो। इसके अलावा ये है आपका स्लिप डेटा। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लिप डेटा मेजर हो, तो आपको अपनी वॉच को सोते हुए पहनना है। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी, फिर भी आपकी वॉच में आपका स्लिप डेटा मेजर होगा। यहां पे शो करेगा कि आप कितना टाइम सोए हो, कितनी बार आप जागे थे, कितने बजे आपको नींद लगी, कितने बजे आप जागे, डीप स्लिप, लाइट स्लिप का टाइम आपको यहां पे शो करेगा ग्राफ वाइज। और आप अपनी वॉच में जो भी अपना वाइटल मेजर करोगे, जैसे कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, तो यहां पे शो करेगा। टैप करोगे तो आपको मिलेगा उसका डिटेल कि आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है। और अगर आपने ऑटोमेटिक पे सेट किया है, तो हर आधे घंटे के बाद आपकी वॉच में हार्ट रेट या बीपी मेजर होता रहेगा। हालांकि यहां पे SpO2 के रिकॉर्ड को चेक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस डेटा को रिफ्रेश करने के लिए आपको करना है होम पेज पे स्वाइप डाउन, इस तरीके से रिफ्रेश करने के लिए। और आप अपनी वॉच में जो भी वर्कआउट करोगे उसका डेटा अगर आपको चेक करना हुआ, तो आपको जाना है वर्कआउट में, स्मार्ट वॉच मूवमेंट में, और यहां पे शो करेगा आपका वर्कआउट डेटा डिटेल में। अब देखते हैं आपको इस वॉच की वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, एड्रेस बार में लेंस का आइकन होगा, आपको इस पर टैप करना है, कैमरा पर टैप कीजिए, जो वारंटी कार्ड है उस पर होगा QR कोड, आपको इसे स्कैन करना है इसके जरिए, इस तरीके से URL शो करेगा। फिर आपको सर्च पर टैप करना है, वारंटी फॉर्म ओपन होगा, फिर आपको यहां पे अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर करना है। आपने स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया है, मैंने किया है Amazon से। स्मार्ट वॉच का नाम आपको यहां पे करना है सिलेक्ट, तो ये है फायरबोल्ट क्वांटम 088, तो ये रहा फायरबोल्ट क्वांटम 088, टैप कीजिए। आपको यहां पे करना है चूज पे टैप करके नो पे टैप, और करना है नेक्स्ट, उसके बाद आपको लास्ट में करना है सबमिट, उसके बाद आपके वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपको आपके वॉच की वारंटी को क्लेम करना हुआ,
अगर आप कोई भी इश्यू फेस करते हो अपनी वॉच में तो आपको कॉन्टैक्ट करना है फायरबॉल टीम को। उनका नंबर और ईमेल आईडी बॉक्स के बैक साइड में आपको मिल जाएगा। ये रहा टेलीफोन नंबर और इनका ईमेल आईडी। तो हमने अपने स्मार्ट वॉच को सेटअप कर लिया है इस ऐप के जरिए। अब हम देखेंगे आपको अपनी वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है फोर फंक्शंस। तो अगर आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ है उसे ऑन करने के लिए आपको इस पे प्रेस करना है, डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अगर आप होम पेज पे हो ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप एक्सेस कर पाओगे मेन मेनू को। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको जाना हो डायरेक्ट होम पेज पे तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है तो आपको फिर ऐसे स्वाइप करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। तो अगर आप करोगे स्विच ऑफ पे टैप तो आपकी वॉच हो जाएगी स्विच ऑफ। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। नीचे यहां पे शो किया जाएगा बैटरी लेवल, टाइम और डेट। ऊपर में सबसे पहले है फाइंड माय फोन का टॉगल। तो आप इसके जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पे टैप करोगे आपके फोन में रिंग बजेगी। अगर आपका फोन साइलेंट पे भी होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। हालांकि फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। यह है डीएनडी को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई भी साउंड या वाइब्रेशन प्ले नहीं होगा। यह है कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ करने का टॉगल। तो अगर कॉलिंग का फीचर ऑफ है तो उस पर टैप करके आप उसे ऑन कर सकते हो। जो कॉलिंग का फीचर है आप देख पाओगे अब ऑन हो चुका है। तो अभी आ जाएगा इस तरीके से कलर में। यह है अबाउट डिवाइस। आप यहाँ पे मैक एड्रेस, वर्जन नंबर चेक कर पाओगे। और लास्ट में है सेटिंग्स। इसमें सबसे पहले है ब्राइटनेस। तो आप यहाँ पे माइनस प्लस के साइन पे टैप करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। फिर यह है ऑटो लॉक, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट जो हमने सेट किया था ऐप में 10 सेकंड्स का। मतलब कि अगर डिस्प्ले ऑन होगा 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। हालांकि आप इसे यहां से भी चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम 30 सेकंड, मिनिमम 3 सेकंड। आगे स्विच, तो आप यहां से अलग अलग सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ऑटोमेटिक हार्ट रेट को, ऑटोमेटिक बीपी मेजरमेंट को ऑन करना है तो आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। और ये है एचआर अलर्ट जो हमने सेट किया है। अगर 130 के ऊपर जाता है तो आना चाहिए एचआर अलर्ट। इसके अलावा डिस्कनेक्ट अलर्ट, टर्न रिस्ट टू वेक मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर, मूवमेंट रिमाइंडर मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर, आप सभी को यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। एज बैंड को डाउनलोड करने का ये क्यूआर कोड दिया गया है, हमने पहले डाउनलोड कर लिया है प्ले स्टोर से तो इसे स्कैन करने की जरूरत नहीं है। यह है डायल, तो आप जो डायल फेस है मतलब कि वॉच फेस यहां से भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। जिसे सेट करना है उस पर टैप कीजिए। यह है नोटिफिकेशन, तो हमने पहले ही इसे ऑन कर लिया था ऐप के जरिए। आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो अलग अलग एप्स के लिए। अबाउट जो हम देख चुके हैं, इसके बाद है इरेस डेटा। तो अगर आपको करना हुआ फैक्ट्री रिसेट तो आपको यहां से करना है, मतलब कि आपका जो भी डेटा सेटिंग से सब हो जाएगा डिलीट अगर आप टिक पे टैप करोगे तो। और यह है पावर ऑफ, स्विच ऑफ करने का ऑप्शन। होम पेज पे अगर आप स्वाइप लेफ्ट करोगे तो आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट। सबसे पहले है एक्टिविटी पेज। तो ये है आज का डेटा, आज आप कितने स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है और कितनी कैलोरी आपनी बर्न की है। इसके आगे है आपका स्लीप डेटा, तो आप कितना टाइम सोए, आपकी डीप स्लीप, लाइट स्लीप कितने टाइम के लिए थी। इसके बाद है आपका हार्ट रेट, तो यहाँ पे होगा आपका मेजर हार्ट रेट कितना आया था यहाँ पे शो करेगा, और मैक्सिमम मिनिमम और लास्ट टाइम कितना आया था। इसके अलावा आगे है ब्लड प्रेशर, टैप कीजिए मेजर करने के लिए। 100% यहाँ पे होने देना है कंप्लीट, उसके बाद आपको शो करेगा यहाँ पे आपका एसबीपी डीबीपी। आगे है SpO2 मेजरमेंट, तो आप टैप करके कर सकते हो मेजर। नॉर्मली 95 या उसके ऊपर होना चाहिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा म्यूजिक कंट्रोल, तो आप प्ले कर सकते हो टैप करके प्ले पे। म्यूजिक अगर प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है इस तरीके से, फिर आप म्यूजिक को प्ले कर पाओगे आपकी वॉच में। प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम कंट्रोल आप यहां पे कर सकते हो माइनस प्लस के साइन पे टैप करके। जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, आप चाहते हो जो भी म्यूजिक में प्ले करूं प्ले हो मेरे फोन में, तो आपको जाना है आपके फोन के बीटी सेटिंग्स में। बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहां पे आपको शो करेगा FB088। उस पे गियर के आइकन पे आपको टैप करना है और ऑडियो के टॉगल को आपको ऑफ करना है। अब अगर आप म्यूजिक प्ले करोगे तो प्ले होगा आपके फोन में। अगर प्ले नहीं हुआ तो आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करना है।
वॉच पे कीजिए सिलेक्शन, फिर से फोन पे आइए, फिर कीजिए प्ले। फोन में प्ले हो रहा है। अगर ये ऑडियो का टॉगल ऑन है, मतलब कि जो भी मीडिया आप प्ले करोगे, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो या यूट्यूब हो, तो उसका जो साउंड होगा प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो साउंड मेरी वॉच में प्ले ना हो, जो भी मैं मीडिया प्ले करूं उसका साउंड फोन में ही प्ले हो, तो आपको इसे ऑफ रखना है। और म्यूजिक प्लेयर में अगर आप डॉट के आइकन पर टैप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस। एक होता है फोन, मतलब कि फोन का म्यूजिक प्ले होगा, और एक होता है वॉच, मतलब कि वॉच में आपने जो सॉन्ग्स को सेव किए हैं वही प्ले होंगे टैप करोगे तो। अब देखते हैं आपको अपने वॉच में किस तरीके से सॉन्ग्स को सेव करना है। तो किसी भी ऑडियो फाइल को सेव करने के लिए आपको चाहिए होगा OTG अडाप्टर, जो फोन से कनेक्ट हो। तो मैं इसे करूंगा फोन से कनेक्ट। फिर आपको अपने चार्जिंग केबल को करना है इसमें इंसर्ट, और अपनी वॉच को चार्जिंग में प्लग इन कीजिए जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो मैंने चार्जिंग में प्लग इन कर दिया है, ठीक है। चार्जिंग में प्लग इन करने के बाद आपको जाना है आपके फोन के माय फाइल्स ऐप में, या आपका कोई भी हो सकता है फाइल मैनेजर, आपको उसे ओपन करना है। और यहां पे आपको शो करेगा USB स्टोरेज 1, तो आप टैप करोगे तो ये रहा वॉच का स्टोरेज, आप यहां पे सॉन्ग को सेव कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी आपके फोन में ऑडियो फाइल है, जो भी सॉन्ग्स आप पेस्ट करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो आपकी वॉच में, उन्हें करना है सिलेक्ट। तो मैंने अभी फिलहाल 15 फाइल्स को किया है सिलेक्ट। फिर आपको करना है कॉपी, बैक जाइए और जो आपका USB स्टोरेज 1 है उसमें आपको करना है कॉपी हियर या पेस्ट करना है। तो जो सॉन्ग्स है सेव हो चुके हैं वॉच के स्टोरेज में, और आप यहां पे देख पाओगे कि कितना स्टोरेज अभी फुल है, कितना अवेलेबल है। तो आप देखोगे टोटल है 239 MB, उसमें से 102 MB मैंने यूज की है। स्पेक्स में तो लिखा हुआ है 128 MB, लेकिन आपको मिलती है टोटल 238 MB यूज करने के लिए, मतलब कि उतने स्टोरेज में आप करीबन 40 से 50 सॉन्ग्स आप सेव कर पाओगे। तो ऑडियो फाइल को पेस्ट करने के बाद, सेव करने के बाद आपको इसे करना है अनमाउंट। तो आपको यहां पे देखना है USB स्टोरेज, इस पे आपको करना है टैप करके अनमाउंट। उसके बाद आप जो वॉच है उसे कर सकते हो डिसकनेक्ट, फोन को भी डिसकनेक्ट। तो आपको करना है स्वाइप अप म्यूजिक को एक्सेस करने के लिए। फिर आपको डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, वॉच को करना है सिलेक्ट, उसके बाद बैक जाइए, प्ले कीजिए। तो ये है सॉन्ग्स जो आपने सेव किए हैं आपकी वॉच में। आप देखोगे सारे सॉन्ग्स यहां पे शो कर रहे हैं। तो सभी 15 सॉन्ग्स यहां पे सेव हो चुके हैं वॉच में, और आप इन सॉन्ग्स को डायरेक्टली अपने TWS पे, मतलब कि ब्लूटूथ ईयरफोन पे प्ले कर सकते हो अपने फोन को बिना कनेक्ट किए। तो आपको अपने TWS को निकाल देना है केस से बाहर, ये आपके ईयरफोन्स। फिर आपको म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, डॉट्स के आइकन पे टैप करना है, वॉच पे करना सिलेक्शन, इसके बाद हेडफोन पे आपको टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। यहां पे सर्च होंगे आपके ईयरबड्स। अगर आपके ईयरफोन्स शो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके ईयरफोन्स पेयरिंग मोड में होने चाहिए। तो पेयरिंग मोड में अलग अलग तरीका होता है, जैसे कि वन प्लस के ईयरबड्स में पेयरिंग मोड को एंटर करने का तरीका है, आपको ओपन करके बटन पे प्रेस करना है इस तरीके से, जब लाइट जलती है वाइट, मतलब कि पेयरिंग मोड ऑन हो जाता है। और आपको फिर से स्कैन करना है, आप देख पाओगे वन प्लस बर्ड Z2 शो कर रहा है, टैप कीजिए, कनेक्ट पे टैप कीजिए, फिर आप इन्हें निकाल सकते हो। और ये हो चुके हैं कनेक्ट, मतलब कि अब आप जो भी म्यूजिक प्ले करोगे अब प्ले होंगे आपके ईयरबड्स में। तो टैप करोगे प्ले, तो इसमें प्ले हो रहे हैं। हालांकि जब आप कॉलिंग रिसीव करते हो तब इसका यूज नहीं कर पाओगे, ये यूज कर पाओगे केवल म्यूजिक को प्ले करने के लिए। अगर आपको अब म्यूजिक को प्ले करना है आपकी वॉच में, इस पे प्ले नहीं करना है, तो म्यूजिक प्लेयर को ओपन कीजिए, डॉट्स के आइकन पे टैप कीजिए, हेडफोन पे टैप कीजिए, और यहां पे उस पे वन प्लस बर्ड्स पे टैप करके करना है डिसकनेक्ट। इसके बाद म्यूजिक जो होगा प्ले होगा आपकी वॉच में। आप देखोगे अब म्यूजिक अगर मैं प्ले करूंगा तो वॉच में प्ले होगा, वॉच में प्ले हो रहा है। अगर मुझे करना है फोन पे तो मैं फोन पे करूंगा सिलेक्शन, म्यूजिक जो होगा प्ले होगा फोन में, फोन में प्ले हो रहा है। बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको बटन पे प्रेस करना है उसे एक्सेस करने के लिए। सबसे पहले है वर्कआउट, टैप कीजिए उसे ओपन करने के लिए। तो यहां पे आपको मिलेंगे 10 वर्कआउट मोड, आपको जिसे स्टार्ट करना है वर्कआउट को आपको उस पर टैप करना है। जैसे कि मुझे करना है इंडोर वॉक, तो मैं इंडोर वॉक पे टैप करूंगा।
तो यहां पे शो होगा टाइमर, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, इसके आगे है स्टेप्स कितने चले हो, डिस्टेंस कितना कवर किया है और आपकी पेस। पेस मतलब अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा। इसके बाद अगर आप स्वाइप करोगे ऐसे तो आप यहां से इसे पॉज रिज्यूम कर सकते हो, इसे एंड भी कर सकते हो और यहां से आप म्यूजिक को भी एक्सेस कर सकते हो क्विकली। अगर आपको एंड करना हो तो एंड कीजिए। अगर आप चाहते हो आपका वर्कआउट डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। इसके बाद है पेडोमीटर जो हम देख चुके हैं, डेली एक्टिविटी पेज, स्लीप डेटा, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन मतलब कि SP2, ये भी हम देख चुके हैं। आगे है कॉल, तो टैप कीजिए। आप यहां से किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। डायल पैड पे आप जो सिंबल्स है उनका भी यूज कर सकते हो। आपको उस नंबर पे लॉन्ग टैप करना है उस सिंबल को यूज करने के लिए, स्टार, हैश और प्लस। कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपने 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड किए आपके ऐप में वो कॉन्टैक्ट्स यहां पे शो करेंगे नंबर के साथ। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको सिंपली उस पर टैप करना है कॉल करने के लिए। फिर है कॉल लॉक्स, मतलब कि आपकी कॉल हिस्ट्री, जो भी आपके पिछले कॉल से 10 कॉल से यहां पे शो करेंगे। अगर आप चाहो तो उन्हें टैप करके कॉल कर सकते हो फिर से। हालांकि आप अपने कॉल लॉक्स को यहां से क्लियर नहीं कर सकते। और ये है नोटिफिकेशन, आप अपने जो मैसेज है यहां से रीड कर सकते हो। इसके बाद है अलार्म, जो भी आपने अलार्म्स ऐड किए आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे, आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो, हालांकि आप यहां से चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है स्टॉपवॉच और टाइमर, उसका यूज आप इस तरीके से कर पाओगे। टाइमर को स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरीके से एरो पे टैप करके टाइमर को सेट करना है, फिर आपको प्ले पे टैप करना है जो टाइमर है बैकग्राउंड में सपोर्ट करता है। स्टॉप करने के लिए रिसेट कीजिए। इसके बाद है म्यूजिक और फाइंड फोन, जो हम देख चुके हैं। यह है कैमरा, टैप कीजिए, टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर नहीं हुआ तो बैक जाइए, आपके फोन में ओपन कीजिए एज बैंड ऐप को, फिर से आप इस पे टैप कीजिए कैमरा पे, तो कैमरा ओपन होगा। फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। और ये है लास्ट में सेटिंग, जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों तो ये था फायरबोल्ट क्वांटम स्मार्टवॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।